चाबी मैंने दे दी है, मेरा काम तो हो गया। अरे इसकी मॉम को बोलना चाहिए था कि इसकी बेटी डांटती ही नहीं, काटती भी है। सुनो, कहाँ जा रहे हो? मैम ने तुम्हें खाना खाने को कहा था ना? खाना खाओ कि डांट खाओ, वो आ गई तो फिर? खाना किचन में और किचन इस तरफ है, आ जाओ। ये मैकेनिक एक तो बदतमीज, ऊपर से लेट। वही खुशबू, वही टेस्ट, बिल्कुल मेरी दादी के खाने की तरह। बस एक चीज मिसिंग है, वो मेरी दादी का प्यार। अच्छा, खाने के लिए थैंक यू। अच्छे से खा लो। मुझे बात बताओ, जो ऊपर जो मैडम है ना, उसका नाम प्रज्ञा, तो सब लोग उसे रानी क्यों बुलाते? रानी नहीं, नहीं बड़ी मैम उन्हें प्रज्ञा ही बुलाती है। मेरा दोस्त उसे रानी क्यों बुलाता है? तुम्हारा फ्रेंड उन्हें रानी क्यों बुलाता है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों बुलाता है? ओ, वो फोन पर नाम रानी करके सेव किया था, शायद असली नाम पता ना होगा। पर मेरी रानी से कहना, तुम्हारी रानी से कहना, वो तो रानी है ही नहीं। अपनी तुम्हारी मैडम से कहना कि वो ठंडे पानी से नहाया करे, मैं बहुत गर्म रहता उसका। आंटी, आंटी वो मैकेनिक कहाँ गया? किचन में, उसे मैंने खाना खाने के लिए कहा है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। प्रज्ञा, वैसे तुम्हारी मैडम जो है ना, चीखती बहुत है। क्या, 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 क्या। उनकी आवाज बिल्कुल मेरी रानी की तरह। तुम्हारी रानी? हेलो, ओके वी आर कम। वैसे अब मुझे चलना चाहिए, और खाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मतलब तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, तुम्हारी बातें इतनी अच्छी, अब क्या बताऊं मैं। बहुत टाइम बाद मैंने ऐसा खाना खाया, इसलिए बहुत मजा आया। थैंक यू, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी इतनी तारीफ की, अदरवाइज हमें कौन ही पूछता है। ओए, वो लोग जो है ना, वो इंसान देखकर सच बोलते, मैं काम देखकर सच बोलता हूँ। क्या हुआ प्रज्ञा, वो मैकेनिक कहाँ गया? वो तो चला गया मैम। तुम मुस्कुरा क्यों रही? मैम वो एक्चुअली बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही अच्छी बातें कर रहा था मैम। रियली? मुझे तो बड़ा बदतमीज लगा। आखिर बात क्या है प्रज्ञा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वो मेरे कमरे में आ गया, हाउ डेयर ही। उसे तो मैंने भेजा था। आपने? लेकिन क्यों? हाँ, मैंने सोचा तुम पहले से इतने गुस्से में हो, अगर किसी और को भेजूंगी तो तुम उसका गुस्सा उस पे निकाल दोगी, इसीलिए उसे भेज दिया। हाँ, फिर भी उसे चाबी देना चाहिए था। टाल टॉमर, नेवर माइंड, नेक्स्ट टाइम मिलने दीजिए, फिर बताऊंगी। उसे तमीज से खाना बहुत जरूरी है। सॉरी, वो बुटीक से फोन आया था, सब कुछ रेडी है, चलते हैं वरना वहां भी देर हो जाए। तुम मुस्कुराओ मत। प्रज्ञा, यू थिंक हमें यहाँ कुछ अच्छा मिलेगा? इसीलिए मैंने बुटीक वाले को पहले फोन करके बोला था कि हमारे लिए साड़ियां अलग करके रखें। बहुत अच्छा सोचा है तुमने, चलो। मैं इस दुनिया में गरीबी में जीने के लिए नहीं आई, लेकिन किस्मत खराब हो गई और मैं गरीब हो गई। लेकिन मैं गरीबी की वजह से अपनी शॉप नहीं मारूंगी, मैं वो लिपस्टिक चुराऊंगी, रेड वाली, मुझ पे बहुत अच्छी भी लगती है। और लिपस्टिक के साथ साथ अगर और कुछ भी हाथ आ गया तो वो भी चुरा लूंगी। अभी लंच ब्रेक चल रहा है, कॉस्मेटिक काउंटर पर कोई नहीं होगा। चोरी के लिए कितनी रिसर्च की है ना मैंने, तभी तो आज तक कोई मुझे पकड़ नहीं पाया, प्रोफेशनल चोर।
लग तो अच्छी रही है ना। क्या सोच रहे हो? Why is he calling me on phone? Hello? क्या? क्या हुआ? प्रज्ञा आ रही है, कह रहा था बहुत गुस्से में है। और क्यों? क्योंकि मेरा कुछ चोरी हुआ है। डेढ़ से दो के बीच की फुटेज निकालो। लंच टाइम में पर्स चोरी हुआ है। क्या चोरी हो गया? Don't try to act smart with me. मुझे पता है आप लोग सब जानते हो और प्रिटेंड कर रहे हैं। वो आपका ही आदमी था ना जिसने मेरा पर्स चुराया? आपका पर्स? Wait. यही वो लड़की है ना जिसने कंप्लेंट लिखाई थी? जी सर। आप कुछ भी मत बोलिए, ऐसा कुछ नहीं। मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि आप दोनों की बातें मैंने सुन ली थी। जब आपके फादर आपसे कह रहे थे कि मेरी पर्स से आपको फैक्ट्री के पेपर्स निकाल लेने चाहिए, जाहिर सी बात है चोरी आप खुद तो करेंगे नहीं, इसलिए किसी और को हायर किया ताकि मेरे पर्स से वो फैक्ट्री पेपर्स चुरा सके। प्लीज स्टॉप। जूम करो, जूम। यही वो लड़की जिसने चोरी किया। हम लकी हैं कि इसका चेहरा देख पा रहे हैं। सर, इसे तो मैं जानता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ उसके पास वाली चौल में रहती है। आप लोग खुद तो कन्फेस करेंगे नहीं, इसलिए मैं उस चोर से ही पूछूंगी कि उसे ये चोरी करने के लिए किसने कहा। हेलो क्या जी, हमें चोर का पता चल गया। चोर मिल गया, मुझे उससे बात करनी, उससे पूछना है कि उसे चोरी करने के लिए किसने कहा। ठीक है, मैं आपको एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, आप वहीं आ जाइए। श्योर। अब सच का पता सबको लग जाए, अब वो चोर खुद बताएगा कि उसे चोरी करने के लिए किसने कहा। प्रज्ञा जी, आपको गलत, ये क्या बोले जा रही थी और किस तरह से बात कर रही थी? इस तरह से कोई बिहेव करता अपने बिजनेस पार्टनर से? तो डैड, उसने क्या गलत कहा? उसने बोला ना कि उसने हमारी बातें सुन ली थी, उसे पता था कि हमें वो फोल्डर चाहिए। ऑब्वियसली उसका पर्स चोरी हो गया, उसे हम पर डाउट होगा ना। तो इमेज बनी भी नहीं थी, उससे पहले बिगड़ गई। इमेज फिर से बन जाएगी, जब हमने किसी को भेजा नहीं वहां चोरी करने, तो जो पकड़ा गया है वो हमारा नाम क्यों लेगा? Mark my words, Pragya will realize this, आएगी हमारे पास सॉरी बोलने, and everything will be back to normal. बेटा आया। रणबीर तू आ गया बच्चे? मैं आ गया पापा, मैं आ गया। बेटे बहुत वीक है, ज्यादा बात नहीं कर सकते। ये क्या हो गया डैड, क्या हो गया? सारी तेरी गलती है, तू छोड़ के चला गया ना, देख क्या हालत हो गई मेरी। और आप इतने जिद्दी क्यों हो गए हो? आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो यार? अब तू आ गया है ना, अब मैंने ठीक हो जाना है। और एक बात बता, तू पहले नहीं आ सकता था? आने में इतना वक्त क्यों लगा दिया? मुझे डर लग रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं वापस आ जाऊंगा तो आप मारोगे मुझे, इसीलिए नहीं आ रहा था मैं। तुझे पता है तेरे बिना होली, दिवाली, लोहड़ी सब कुछ मनाई हमने, पर ना तो होली में रंग नजर आए, ना ही दिवाली में घर में रौनक थी, और लोहड़ी में खोते थे पुत्र नु बहुत मिस किए। तो मैंने नहीं मिस किया आपको, मैंने आपको इतना मिस किया पापा, दो साल बहुत मिस किया। वेल
दिस इज नाइस, यही तो देखना था, पर चाचा जी आपको इस हालत में नहीं देखना था। अब इस खोते की गलती है। I'm sorry. ये दादी भी ना चाचा जी की तरह जिद्दी है, स्टेयर से नहीं जा पाई तो लिविंग रूम में बैठी हुई है। क्यों चाचा जी, बोला था ना ये आएगा, खुश हो? बहुत। तो जल्दी से ठीक हो जाओ। गारंटीड हो जाऊंगा। मम्मी जी तड़प रही होंगी अपने पोते से बात करने के लिए, यहाँ विक्रम की भी जान में जान आई अपने बेटे को देखकर। पर रणबीर, रणबीर सिर्फ प्राची से प्यार करता है, तभी उसने एक रिश्ते के लिए इतने रिश्तों को ठुकरा दिया। He chose प्राची over us, over our family. बहुत अच्छा लगा आपको देख के, अब आप सिर्फ रेस्ट करो। मैं लेटे लेटे आराम ही तो कर रहा हूँ यार, और अब तू आ गया है ना, देख तू अब यही रहना, कहीं मत जाना। कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा आपके पास, लेकिन एक शर्त है, आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। आप ऐसे यहाँ पे इतना लाइटली नहीं। मैं हॉस्पिटल नहीं जाने वाला, समझे? पल्लवी इसे समझाओ प्लीज। इसने मेरी बात ना कभी समझी है ना कभी सुनी। क्या जी, इसी ने आपका बस चुराया? ये सच में प्रज्ञा है? नहीं, पर ये कैसे, ये तो मर चुकी थी। तुम सही कहती थी, कुमकुम और मंगलसूत्र में बहुत ताकत है। अब देखो, अभी भी मेरा हो गया, अब वो वही करेगा जो मैं चाहूंगी। अनु के आ जाने से ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे सपने पूरे होंगे। भाई की म्यूजिक कंपनी मेरा प्लान था, सालों से डेवलप उसे मैंने किया, लेकिन पार्टनर बना कौन? विक्रम। मुझे पार्टनर बनना है, वो भी 50% का, और ये सपना मेरा तन्नू पूरा कर। अरेस्ट करो। रुकिए, क्या क्या हो रहा है ये? एक तो चोरी करती हो, ऊपर से हमसे सवाल करती हो। ये जो तुम्हारे हाथ में पर्स है ना, वो इनका है, मिस प्रज्ञा अरोरा का, समझी? ये सच में प्रज्ञा है? प्रज्ञा बेटे, तुमने हमें फोन नहीं किया। प्रज्ञा, ये सच में प्रज्ञा है? उसके कोई हमशक्ल उठा के लेके आए? ये क्या प्रज्ञा प्रज्ञा लगा के रखा है? तुम्हें इनको आइडेंटिफाई नहीं करना है, बल्कि हमने तुम्हें आइडेंटिफाई कर लिया है चोरी करते हुए। इसने कहा और आपने मान लिया? ये पर्स इसका नहीं है। किसने देखा होगा मेरे हाथ में भाड़े के कपड़े मंगवाए होंगे और आ गए यहाँ पे स्टाइल मारने? ये पर्स इसका नहीं, मेरा है। तमीज से बात करो जरा। क्या तमीज से बात करूं? ये पर्स कहा ना मेरा है, ये इसका नहीं हो सकता पर्स। इस सब का कोई फायदा नहीं है, मॉल की सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है और हमने तुम्हें साफ साफ देख लिया पर्स चुराते हुए। देखिए, ये पर्स मैंने नहीं चुराया, ये पर्स वहाँ पे पड़ा हुआ था, आसपास में कोई दिखा नहीं तो बस मैंने उठा लिया। कोई आसपास में नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि पर्स तुम्हारा है। ये पर्स भी मेरा है और इसमें रखी हुई चीजें भी, मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स जो मैंने आज खरीदे, इंक्लूडिंग द मेहरा मेंशन। भगवान भी कैसे कैसे वजह बनाता है लोगों को मिलाने के लिए। प्रज्ञा, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी, आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि तुझे बता नहीं सकती। प्रज्ञा, चोर लीजिए मैडम आपका पर्स। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये लोग मुझे अरेस्ट करने आए और ये मुझे अरेस्ट करवाने आई है और आप देख के खुशी हो रही? क्या है अली, तुम बताओ ना दादी, क्या बोल रही है ये? और बताओ, ये एक मामूली सी टीचर थी, ये पर्स ये अफोर्ड नहीं कर सकती, ये इसका हो ही नहीं सकता। ये बस मेरे हाथ में देख के ना इससे देखा नहीं जा रहा, और वैसे भी ये प्रज्ञा लग भी नहीं रही मुझे, ये वो तो 2 साल पहले मर गई थी ना, कैसे आ गई हूँ? क्यों हैरान हो तुम? मुझे जिंदा देखकर या पर्स मेरे हाथ में देखकर? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ये पर्स ना तुम्हारा है और ना ही मैंने चोरी किया है। चुराया तो है तुमने, चोरी करना तुम्हारी पुरानी आदत जो है तुम। I'm not surprised. कभी किसी का पर्स, कभी किसी का हस्बैंड। प्रज्ञा,
तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे इस तरीके से बात करने की? ए, चुप! मेरे सामने इनसे तमीज से बात करो। रहने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, इसने अभी मेरी हिम्मत देखी कहा, इसे अंदाजा ही नहीं, इसलिए आई एम नॉट सरप्राइज्ड। ये सब ऐसा कैसे हो गया? मेरी किस्मत के बारे में कुछ भी बोलने की कोशिश भी मत करना प्रज्ञा। बोलने की तो जरूरत ही नहीं है, दिख रहा है सब। तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझती कि चोरी की हुई चीज कभी फलती नहीं। जिस चीज से तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार था तुमने वही खो दिया। इंस्पेक्टर साहब, FIR तो मैंने करवाई दी है, बाकी किसी चीज की जरूरत हो तो आपके पास मेरा नंबर है। क्या प्रज्ञा, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, मुझे फंसाने के लिए कर रही हो नहीं सब कुछ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं प्रज्ञा। आप इसे छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर, ठीक नहीं कर रहे हो ये तुम। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि शांत रहो, ले चलो इसे। अरे पर ऐसे थोड़ी ना ले जा सकते हो। कैसे ले जा सकते? भगवान जी थैंक यू वेरी मच। प्रज्ञा बाबा, ए सीधा खड़ा रहे, गाना कुछ नहीं हो सकता सर। सीधा खड़ा रहूंगा गिर जाऊंगा और क्या कुछ नहीं हो सकता सर। आप कुछ नहीं करेंगे तो सब आपके हाथ में, आप कर लो ना सर। और मैं ऐसा क्यों चाहूंगा कि चोर को रिलीज करूं? क्योंकि आप क्राइम रोकना चाहते हैं ना, तो आप छोड़ दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूं आगे से कोई चोरी नहीं करेगी। जाओ यहां से, टाइम वेस्ट मत करो सर। टाइम ही टाइम है मेरे पास। मेरा सर, जाने दो ना उसे, मैं भी चला जाऊंगा सर। देखिए सर, मैं वादा करता हूं आपसे, वो दोबारा चोरी नहीं करेगी। वो क्या है ना, जब कुछ खुराफाती करती है ना सर, तो मुझे पता चल जाता है, मैं करने नहीं दूंगा, रोक दूंगा मैं। तो तुमने अभी तक उसे क्यों नहीं रोका? क्या बताएं सर, मैं बताऊंगा तो आप हंसेंगे सर। एक्चुअली मेरी दिल्ली तमन्ना थी कि आप लोग उसे पकड़ ले। और जब हमने उसे पकड़ लिया है तो तुम्हें परेशानी हो रही है? नहीं सर, परेशानी मुझे नहीं हो रही है सर, मेरी दादी की वजह से। मेरी दादी कहती है कि अगर ये अंदर रही ना तो आस पड़ोस में बदनामी होगी, इस वजह से, दादी की वजह से। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमने तनु को छोड़ दिया, जिसका पर्स तनु ने चुराया वो अपसेट हो जाएंगे, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो एक अच्छी लेडी है, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। बिल्कुल नहीं कि सामने पकड़ लो और पीठ पीछे छोड़ दो, समझे? चलो। समझ गया सर, छोड़ दीजिए ना सर। टाइम बर्बाद मत करो, जाओ इसे। अमित भाई, आपकी हेल्प चाहिए थी। अरे वो आपके जो बड़े साहब है ना अंदर, उससे पूछना था कितना घूस लेते हैं। घूस को अंग्रेजी में पता है क्या कहते हैं? गिफ्ट्स। गिफ्ट्स दूंगा मैं। तुम अगर घूस को गिफ्ट कहते हो ना तो हमारे बड़े साहब है ना, गिफ्ट देने वाले को क्रिमिनल कहते हैं। वैसे भी तू क्या ही दे देता गिफ्ट? सही बात है, क्या दे देता मैं? होता तो देता ना। है मेरे पास घूस देने के लिए, लेकिन क्या है ना, वो चीज जो है ना मेरे नस नस में घुसी हुई, जान से भी ज्यादा प्यारी है मुझे। क्या है? अरे मैं भैया, वो छोड़ो ना, आप कहाँ हाथ डाल रहे हो? अमित भैया प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना। अमित भैया एक बार, एक आखिरी बार। अरे देखो ना, मुझे छुड़वाया क्यों नहीं आपका? तनु भाई कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश आदिया, मुझे नहीं लगता अभी मुझे यहाँ से छुड़वा पाएगा। तू इंस्पेक्टर अभी की बात तक नहीं सुनेगा? अगर इंस्पेक्टर भाई की बात नहीं सुनेंगे तो भाई सुमित के भाई अमित से बात करेंगे तुम्हें छुड़वाने के लिए। ऐसे ना एक तरकीब है जिससे तुम तनु को जेल से बाहर छुड़वा सकते हो बिना मेरी शराब के। अमित भैया, यूर द मैन। अमित भैया, हम अगर लेडीज होते ना तो तुम ही से शादी करते। अरे ध्यान से सुनो, अभी कुछ दिन पहले ना हमारे साहब के पास एक ड्रंक एंड ड्राइव का केस आया था, जिसमें वो मैडम है ना उसके ड्राइवर ने पी रखी थी। ओ, मतलब कच्चा खिलाड़ी, ड्रिंक में भी और ड्राइव में भी। आगे बताइए। साहब ने डाल दिया उसको जेल के अंदर और हमसे कह दिया कि कोई भी इसे नहीं छोड़ेगा, जैसे ये तनु के केस में कहा। जो ड्राइवर था ना
उसकी बीबी आई और वो FIR वाली भी आई। ड्राइवर की बीबी हमारे सामने रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि भैया छोड़ दीजिए, हमारे पति को छोड़ दीजिए, हमारे छोटे छोटे दो बच्चे हैं, हमारी बूढ़ी माँ है, अगर आप जेल में डाल दोगे तो हम किसके सहारे जिएंगे, हम तो जीते जी मर जाएंगे। एकदम रुदाली स्टाइल में, ये गलत है। गलत नहीं है, फिर FIR वाली ने उसके ऊपर तरस खाया और केस वापस ले लिया। यार ये हमारे यहाँ पर ना हमेशा शराबियों के गलत क्यों ठहराते हैं? हो सकता है जिसने FIR दर्ज किया हो, एक्सीडेंट उससे भी तो हो सकता है ना। अरे तू समझ नहीं रहा है, मैं ये पीने वाले को गलत नहीं कह रहा हूँ। तो फिर अरे मैं तो तुम्हें ये समझा रहा हूँ, जो बैग वाली मालकिन है ना, उसके पास तुम जाओ, उसके ऊपर बैठ जाओ, गिड़गिड़ाओ, रो और सो, भाई माफ कर दो, तन्नु से गलती हो गई, उसे छोड़ दो, हो सकता है वो रहम खा ले तुम पर और FIR वापस ले ले। अमित भैया पहले आप ये वाली चीज नहीं बता सकते थे, पूरी कहानी बताई, ये बताने के लिए मुझे लगा आप बता रहे थे कि जो शराबी होते हैं उनके साथ क्या क्या होता है, वो नहीं ना। अच्छा फिर सही, भैया क्या आइडिया दिया आपने। दादी का फोन है, दो सर वो, अरे वो एड्रेस दो ना पर्स वाली का, मालकिन का एड्रेस देना। मेरी तरह खड़े रहकर मुझे काहे देख रहा हूँ, हाँ पर्स वाली का एड्रेस दो ना, जाकर बात करके आएंगे हम। देखिए अंतर्यामी हूँ, तो मुझे एड्रेस पता होगा। तो इतनी बड़ी कहानी सुनाई क्यों आपने मुझे, है? पर्स वाली के सामने अगर एड्रेस ही नहीं है तो पर्स वाली मालकिन को जाकर क्या कहूंगा मैं? सर आराम से सर, ये लातों के भूत नहीं है, बातों के भूत है। ओए अमित भैया क्या आप भी जज मत करो ना, वो सब छोड़ो, आप बताओ मुझे वो जो पर्स वाली मालकिन है उसका पता कहाँ से मिलेगा? वो FIR का जो रजिस्टर है ना, उसमें उसका पता होगा। होगा तो जाओ जाकर लेकर। ओके सर। तू मुझ पे हुकुम चला रहा है? अरे नहीं अमित भैया, मैं कहाँ आप पे हुकुम चलाऊंगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको कि जाइए जरा वो पता ले आइए। ये मैं ये नहीं कर सकता। अमित भैया आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? आपको खुद नहीं पता आप क्या क्या कर सकते हैं। फिलहाल तो मेरे पास एक आइडिया है, मैं जाकर आपके जो बड़े साहब है ना उनका ध्यान भटकाऊं और आप एकदम सुम में जाकर वो पता ले आना। चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है मुझे, मरवाएगा क्या तू? रास्ते पे खड़ा कर देगा, तेरी तरह मेरी भी जिंदगी हो जाएगी, और तुझे बोल के कुछ फायदा नहीं है, तू जाकर जा। इसलिए पिया करो, जिगर आ जाएगा। तो पागल ही हो गया है, कहां बड़े साहब के पास चला गया, मुझे सस्पेंड करवा के ही मानेगा तू? हाय सर, आगे भी कुछ कहना होगा ना? हाँ सर, कहना ये है कि मैंने देखा मेरी बहन अभी अभी गई थी यहाँ से। सर अच्छा लगता है आपको हमें दुखी देखकर, आप बताएं। सर मेरी बहन जो है ना वो लोगों को रुलाती है, सर आपने मेरी बहन को रुला दिया, कमाल कर दिया आपने। मैं तो बोल रहा हूँ यार छोड़ दो अभी उसे, मेरा मतलब इंस्पेक्टर साहब छोड़ दो ना, जाने दो। सॉरी सर। क्या सॉरी, ठीक से एक फाइल नहीं पकड़ सकते? सॉरी सर, मेरे घर में चार और लेडीज है सर, अगर आप तन्नू को नहीं छोड़े ना वो चार रो रो के ना पूरे मोहल्ले में सैलाब ले आएंगे सर, सब डूब जाएंगे सर। देख मुझे ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुझे अंदर डालने में, फिर दोनों मिलके बातें करते रहना, निकल यहां से। हो गया? क्या हो गया सर, आपका हो गया कि नहीं हो गया? निकलना। ठीक है सर। भैया जरा एड्रेस देना। मोबाइल चेक कर। हैं? मोबाइल चेक कर। टेंडन हाउस। अमित भैया ये तो आपने कमाल कर दिया। देखना अमित भैया वो दिन दूर नहीं है जब आप उस पुलिस स्टेशन के SHO बनोगे। अरे SHO क्या, रॉ, CBI, FBI, RBI, BBI सब कुछ बनोगे आप। बिलीव इन योरसेल्फ। SHO अमित कुमार। चल चाय पी के आते हैं। SHO अमित कुमार, सलाम ठोक। जा चाय लेके आ मेरे लिए। चल। तुम्हारी औकात नहीं है इस घर में रहने की। तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम ये घर छोड़ के अभी इसी वक्त जाओ। ये पर्स मैंने नहीं चुराया, ये पर्स वहाँ पे पड़ा हुआ था, आसपास में कोई दिखा नहीं तो बस मैंने उठा लिया। तो यही वजह थी कि इनके बर्थडे की कोई भी खबर न्यूज़पेपर्स में नहीं थी, यही वजह थी ना कोई घर में मिला ना ऑफिस में, मिलता भी कैसे जब पूरा परिवार गुमनामी के अंधेरे में खो गया हो। पर ये सब हुआ कैसे, कोई भी इतनी ऊंचाई से इतना नीचे कैसे गिर सकता है?
हेलो। हाँ मैं प्रज्ञा अरोड़ा बोल रही हूँ, मुझे आलिया मेहरा का नंबर चाहिए। कौन, वो तनु की ननद? हाँ वही। ठीक है मैं आपको नंबर भेजता हूँ। थैंक यू। प्रज्ञा जी एक एडवाइस है आपके लिए, प्लीज आप अपनी कंप्लेंट वापस मत लीजिए। कुछ दिन पहले ऐसे ही केस हुआ था जहाँ ड्राइवर ने शराब पीकर कार को ठोक दिया और कार के ओनर ने ड्राइवर के ऊपर FIR करा दी। वो ड्राइवर था उसकी पत्नी पुलिस स्टेशन में आकर रोई गिड़गिड़ाई तो कार के ओनर ने तरस खाकर अपनी FIR वापस ले ली। और इस केस में भी यही होगा क्योंकि कुछ दिन बाद उसने फिर से एक्सीडेंट कर दिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी कंप्लेंट वापस मत लीजिए, अगर आपने अपनी कंप्लेंट वापस ली तो फिर से चोरियां करेगी। नो डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा, ये केस मैं वापस नहीं लूंगी। She deserves to be punished. ठीक है मैं आपको आलिया का नंबर भेजता हूँ। थैंक यू। जिसने हमारी कार ठीक की थी और जिसने मेरा एक्सीडेंट होने से बचाया था वो कोई और नहीं, वो उसी लड़की का हस्बैंड है जिसने तुम्हारा पर्स चुराया था। हस्बैंड? हाँ, मैंने तो उसे जाने के लिए बोल दिया, कहा कि तुम बहुत ज्यादा अपसेट हो, केस वापस नहीं लोगी। इनफैक्ट तुमने जब से उस लड़की को अरेस्ट करवाया तब से कुछ बोल ही नहीं रही हो, एकदम चुप हो गई हो। प्रज्ञा मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा बेटा। गौतम भी पूछ रहा था कि वो कल्प्रिट मिली या नहीं मिली, मैंने कहा मिल गई है, अरेस्ट हो गई है। इसके अलावा मुझे वो क्या कह रहे थे? यही कि वो कल्प्रिट मिली या नहीं मिली। गौतम नहीं, वो आदमी जिसकी बीवी जेल में। वो कह रहा था कि FIR वापस ले लो। मैंने कहा कि तुम बहुत ज्यादा अपसेट हो, पहले तो उसने रिक्वेस्ट की लेकिन बाद में इमोशनल हो गया, बोलने लगा कि मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, हम ऐसे जैसे दो जस्म एक जान, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, वो मुझे म्यूजिक के लिए इंस्पायर करती है, अगर वो नहीं तो मेरी म्यूजिक कंपनी नहीं, हम 20 साल पहले अलग हो गए थे, दोबारा मिले हैं, अब फिर से अलग नहीं होना चाहते। मुझे तो लगता है वो सच में अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, वरना आजकल कोई 20 साल तक किसी का कैसे वेट कर सकता है ना प्रज्ञा? प्रज्ञा, प्रज्ञा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? देखो वो लड़के को तुमने अरेस्ट कराया तब भी तुम कुछ नहीं बोली, चुप हो गई, और अब इसकी बातें सुनकर तुम, प्लीज प्लीज प्रज्ञा बताओ मुझे क्या हुआ बेटा, चुप मत रहो, बोलो कौन है वो आदमी, क्या है ये सब कुछ? वो आदमी वो आदमी मेरे हस्बैंड है और जिसे मैंने अरेस्ट करवाया उनकी बीवी तनु। ये वही आदमी है जिसने तुम्हें धोखा दिया, ये वही लोग हैं जिसने तुम्हें मारना चाहा। कुछ नहीं, मौसम देखो ना कैसे बदल गया है, अभी तेज हवाएं चल रही थी अब लगता है बारिश होने वाली है। देखो बिजली, हाँ। कुछ अजीब सा लग रहा है। नहीं थोड़ा अजीब तो लग ही रहा है। अरे प्राची तुम मुझे वो बताने वाली थी ना कुछ बात दोपहर में, क्या था वो? हाँ वो तुम अपने डैड के पास थे ना इसलिए परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए नहीं बताया। अरे तो ऐसी भी क्या बात थी? मुझे लगता है आज मैंने रिया को देखा। तुम रिया का प्लीज अपने मुंह से नाम कभी अगली बार मत लेना। I hate that girl. I don't like her at all. तुम्हें पता है ना उसकी वजह से क्या क्या हुआ है? आज तक 2 साल हो गए हैं और 2 साल में हम उसके दिए हुए गम नहीं भुला पाए, किस चक सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। Everything happened because of her. आज उसकी वजह से मेरे माँ के साथ रिश्ते खराब हुए, तुम्हारे मेरी माँ के साथ रिश्ते खराब हुए, उसी ने जाके सबको जाके ये बोला कि तुम हम दोनों के बीच में आई हो। I hate her यार, सिर्फ उसी लड़की की वजह से मम्मी को आज तक ये लगता है कि हम दोनों जो है कल्पित है और वो लड़की जो है वो विक्टिम। I know रणबीर, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मुझे लगता है मैंने उसे देखा। अगर देखा भी ना हो वो फिर से कभी नजर ना आए, क्योंकि उसका नजर आना ना हमारे रिश्ते पे नजर लगा सकता है। प्राची
यही कहीं दिखा था। पुलिस वालों के साथ उसकी तू तू मैं तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, अभी मेरे लिए इतनी एफर्ट्स क्यों डालेगा? वो तो दादी के कहने पे यहाँ पे आ गया, वरना वो तो मुझे एक सेकेंड, कहीं दादी ने अभी को इसलिए तो नहीं भेजा था कि उसे प्रज्ञा का पता चले? नहीं नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ, अभी इतना सब कुछ नहीं करेगा वो तो कहीं बैठ के शराब पी रहा होगा। हाँ, कहीं बैठ के दारू पी रहा होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मेरे लिए पैसों का अरेंजमेंट करने गया हो ताकि मुझे बेल मिल पाए। हाँ, यही होगा। यस, थैंक गॉड आलिया ने मुझे प्रज्ञा का नाम लेने से मना कर दिया, वरना मैं तो ऑलमोस्ट प्रज्ञा का नाम मेंशन कर ही चुकी थी, बेवकूफ कहीं की। अगर ऐसा हो जाता तो वैसे मैं इतना सोच क्यों रही हूँ? इतना मत सोच तनु, प्रज्ञा और अभी अब अलग दुनिया की हो चुकी, एक अमीर एक गरीब, इन दोनों के रास्ते तो मिलने से रहे, इस जन्म में तो नहीं। क्या तुम जिंदा हो? तुम सच में मेरे सामने है? शॉक्ड। शॉक्ड? अरे झटका लगाया मुझे, ऐसा झटका जी कि जान ही निकल जाती मेरी। आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे इतनी झटका लगा था मेरी भी जान। तुम ठीक आ, मैं वही हूँ। कहा थी तुम, बताया कितना ढूंढा मैंने तुम्हें, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने खड़ी हो। यकीन किस पे नहीं हो रहा, मेरी किस्मत पे या अपनी किस्मत? कौन सी किस्मत, मेरी अपनी? अरे हमारी किस्मत, एक ही किस्मत है हमारी, इसलिए हम इतनी बार बिछड़ते हैं और फिर वापस मिल जाते हैं। मुझे पता था ना कि तुम जिंदा हो। मरी नहीं ना। थैंक गॉड तुम जिंदा हो प्रज्ञा, सच में मैं बता ही नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं कि तुम मेरे सामने। मन कर रहा है कि इलू कमाल है, ये इलू इलू सुनते ही निकल गई है? क्या लग रही हो तुम, अलग ही लग रही हो। मैं कैसे लग रहा हूं? नहीं ना, दादी भी यही बोलती थी। दादी बोलती थी कि बेटा अभी बाल बना ले, दाढ़ी बनवा ले, अच्छे कपड़े पहन ले। मैं बोला दादी किस लिए? जो दिन रात टकटकी लगाए देखती रहती थी वो तो चली गई ना। सच में बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। ये सब लोग ना पागल है, सब लोग बोल रहे थे कि प्रज्ञा मर गई है, प्रज्ञा मर गई। मैं बोला ऐसे कैसे मर जाएगी वो, अपने मतलब 7-8 लाख जन्मों का साथ है हमारा, छोड़कर नहीं जाने वाली। या तो मुझे अपने साथ ले जाएगी या साथ में रहेगी। वेट फॉर ईच अदर यार। कहा था मैंने लोगों को कि हमारा जो है ना वो जन्मों जन्मों का साथ है। देखना, मैं या तो मैं प्रज्ञा को ढूंढ कर लेकर आऊंगा या तो वो अपने आप चल कर आएगी। और तुम चल कर आ गई वापस। और तुम कहाँ चली गई थी? ऐसे कोई जाता है क्या?
पता है कितना ढूंढा हूँ मैंने तुम्हें, कितना मिस किया है। तुम जानती भी हो कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और तुम हो कैसे गायब हो गई। सुना मैंने, बोलने लगा कि मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, हम ऐसे जैसे दो जिस्म एक जान। अपनी बीवी से कितना प्यार करते, कितनी फिक्र है उसकी। और तुम्हें दादी का पता है, दादी सबको बोलती रहती थी कि प्रज्ञा जिंदा है, प्रज्ञा जिंदा है, प्रज्ञा जिंदा है। इतना बोलती थी कि बाकी सबको लगता था कि दादी पागल हो गई है। प्यार करती है ना आपसे, प्यार में अक्सर लोग अंधे और पागल हो जाते हैं, ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ समझ में आता है। बिल्कुल सही, दादी ने मन्नत मांगी थी कि हम दोनों मिल जाए। सच बताओ तो उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। दादी ने कहा था कि तन्नू को छुड़ा कर ले आऊं, दादी ने प्रॉमिस लिया था कि मैं तन्नू को अपने साथ घर ले आऊं, देखो उस वजह से मैं यहाँ पर आया हूं। उसे पता है क्या कहते हैं, डेस्टिनी। तो आप तन्नू के लिए आए हैं यहाँ? ओह ओह, जेलस। देखो बाहर से तो बहुत बदल गई तुम, लेकिन अंदर से अभी भी जल कुकड़ी फूगी। किसी और का नाम लिया नहीं कि सुषमा आंटी ने बताया मुझे कि आप अपनी बीवी से कितना प्यार करते हैं, कैसे वो आपकी जिंदगी है, आपकी इंस्पिरेशन है, उसके बिना जी नहीं सकते, कहा था ना। अरे सच बताओ तो इतना मिस किया ना मैं तुम्हें, आज तो सूट बूट में आया कि नहीं, या बैंड बजा। स्टे अवे फ्रॉम, यहां साइन कर दीजिए। वैसे क्या करते हैं आप यहाँ? तो ऑक्यूपेशन का कोई कॉलम ही नहीं। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा लगा कि फेमस पहुंचे हुए बड़े आदमी हैं, वरना इतनी जल्दी बेल किसे मिलती है? फेमस मैं नहीं, मुझसे पहले जो यहाँ आया था वो फेमस है, लेकिन शायद आप उसे पहचान नहीं पाए। वो जो तनु को छुड़ाने की बात कर रहा था, अभिषेक प्रेम मेरा नाम है उसका, बहुत बड़ा रॉकस्टार था। वो जो स्टेज पे गाने गाते हैं और हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, इन लोगों को तो हम सिक्योरिटी देते हैं तो फेमस तो होंगे। लेकिन उसने कभी अपने फेमस होने का फायदा नहीं उठाया, हमेशा एक आम आदमी की तरह ही बात की, लेकिन आप लोगों ने उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जैसा इस देश के हर आम आदमी के साथ किया जाता है। हम तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे। और वो भी अपनी ड्यूटी कर रहा था, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था। देखिए इंस्पेक्टर, मैं जानता हूँ कि आप कानून से बाहर जाके उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उससे प्यार से बात तो कर सकते थे। शांत। यस सर। तनु को लेके आओ। यस सर। और जो वो फेमस सुपरस्टार, उसके कपड़ों से, उसकी बातचीत से लगा नहीं कि वो कभी फेमस था, ऐसा लगा कि वो बचपन से ही चौल में रहता है। वो जब रॉकस्टार था तब उसने शो ऑफ नहीं किया तो अब क्या करेगा। और जहां तक रही चौल में रहने की बात, तो बचपन में चौल में रहता था, तो अब ऐसी जगहों पर रहने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती। और वो कहते हैं ना कि जो जमीन से ऊपर उठता है उसे जमीन पे गिरने से चोट नहीं लगती। दोस्त है वो आपका? भाई है मेरा, मैं आज जो भी हूं उसे की वजह से। बहुत लोगों की मदद की है उसने, लेकिन आज उसकी मदद करने वाला कोई नहीं, आप है ना। आज लोगों के लिए कुछ नहीं है पर मेरे लिए सब कुछ। अभी सोच रहा होगा प्रज्ञा ही उसकी सब कुछ है, कैसे उसके पास जाऊं? वो गया तो मैं नहीं, जब तक आलिया है अभी प्रज्ञा को ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन प्रज्ञा ने हमें ढूंढ लिया, हमने उसकी मौत का प्लान किया था, वो हमें नहीं छोड़ेगी। चलो तुम्हारी बेल हो गई। बेल हो गई? बेल तो होनी थी, मेरी पहचान बहुत ऊपर तक है, और वैसे भी ये जगह मेरे रहने के लायक नहीं। ऐसे क्या देख रहे हो? एक वक्त था मैं मॉडल हुआ करती थी और सुपर मॉडल बनना चाहती थी। मैं भी हीरो बनना चाहता था, मेरी किस्मत खराब, शाहरुख खान ने मुझसे बाजी मार ली, मुझसे पहले दिल्ली से मुंबई चले गए। तो अब चले जाओ मुंबई, दिल्ली से एक और रिजेक्ट कम होगा। मुझे बेल मिल गई, मतलब अभी को प्रज्ञा नहीं मिली, अच्छा है। थैंक यू इंस्पेक्टर। पूरब, लेट्स गो। थैंक यू इंस्पेक्टर। वेलकम। वैसे मुझे छुड़वाने अभी को आना चाहिए था, पर आ गए तुम। मैं यहाँ पर अभी की वजह से आया, तो जिसने तुम्हें छुड़ाया है वो अभी है। अभी तुमने यहाँ भी कोई तो जगह छोड़ दिया करो। अभी मुझे छुड़वा लिया, आप किस टेंशन में दारू पी रहे हो? करोड़ों का नुकसान उसने किया और भरपाई हमें करनी पड़ी, और ये सब तुम्हारे नाक के नीचे होता रहा, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। आज हमारी मदद मांगने आए हो तुम? मैंने सबका सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमने जुआ खेलना भी शुरू कर दिया, अब किसे बर्बाद करके आए?
ये सपना शराब ने किया है। और यहाँ कोई दोस्त तो है नहीं तुम्हारा, तो ये अमित के साथ ही दारू पी रहे होंगे तुम। अरे भाभी जी कैसी बातें कर रही हैं आप, मैंने नहीं पिए, मैं ड्यूटी पर हूँ, मैं तो बस इसके साथ खड़ा था। अमित। हाँ जी साहब। आया। थैंक यू पूरा मेरी बेल करवाने के लिए। चलो अभी ने एक काम तो अच्छा किया तुमसे दोस्ती करके, वरना पता नहीं आज क्या होता। अपने दोस्त के हाल तो देख ही रहे तुम, एक काम ठीक से नहीं होता। लोग खुद को संभालने के लिए किसी का हाथ थामते हैं, अभी ने शराब का हाथ थामा है जो संभले हुए को भी गिरा देती है। आप कुछ नहीं है मेरे, आप सिर्फ मेरे लिए तंग के हस्बैंड और कुछ नहीं। क्या बात है अभी इतना चुप चुप क्यों, जब से आया कुछ बोल नहीं रहा है, तो सारा काम भी हो गया है तो किस बात की टेंशन है? टेंशन मुझे नहीं है पूरा, टेंशन तो अभी से होगी जब से मैं सवालों के जवाब देने होंगे। तू चिंता मत कर, तेरे सामने कुछ नहीं पूछूंगा। तू चलेगा क्या दादी से मिल ले, इन्हें अच्छा लगेगा। तुझे क्या लगा दादी से मिले बगैर चला जाऊंगा? और फिर तेरी शिकायतें भी तो लगानी है, उस उम्र में तेरे कान खींचेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। फिर तेरी भी शिकायतें लगाऊंगा, देखते हैं दादी किसका गाल खींचती है। तुम गए थे ना प्रज्ञा से मिलने, तो वापस क्यों आ गए अभी? क्योंकि उसने मुझे घर से निकाल दिया। वो इस बात से गुस्सा थी कि तुम अब भी मेरी बीवी हो और अब भी मेरे साथ हो। ये तुमने उसे बताया? वहां पर कोई और लेडी भी थी ना, प्रज्ञा से मिलने से पहले वो मुझसे मिली, और तुम्हें छुड़ाने के चक्कर में मैंने बहुत सारे झूठ बोल दिए कि तुम मेरी लाइफ हो, मेरी बीवी हो, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और प्लीज FIR वापस ले लो। ये सारी बात जो है ना उसने आकर प्रज्ञा को बता दी। देखा मैंने उन दोनों को बात करते हुए, अब अगर प्रज्ञा को पता चलेगा कि तुम मेरी बीवी हो, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, तो गुस्सा तो होगी ही ना। 2 साल बाद मिली है लेकिन मुझसे ठीक से बात नहीं की, और ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम अगर तुम मुझे पहले बता देती ना कि वो पर्स वाली कोई और नहीं बल्कि प्रज्ञा है, तो जाकर वो सारे झूठ नहीं बोलते मैं कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ वगैरह वगैरह। सीधा के बोल देता मैं उसे कि दादी तनु को छुड़ाना चाहती है, वो दादी की बात को कभी नहीं टालती और मुझसे भी फिर अच्छे से बात करती, अच्छे से रहती, कोई गलतफहमी नहीं होती ना हमारे बीच। गलतफहमी उसे नहीं, गलतफहमी तुम्हें है अभी। गलतफहमी तुम्हें, बकवास नहीं सुनी मुझे गलतफहमी। सच सुनना था ना तुम्हें, तो यही सच है अभी। हमने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया क्योंकि हम तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, लेकिन अब जब इतना सब कुछ जान ही चुके हो तो पूरा सच भी सुन लोगे। गलत फहमी तुम्हें कि वो दादी के कहने पर मुझे छोड़ देती, गलत फहमी तुम्हें है कि वो तुमसे अच्छे से बात करती। अरे अच्छा बुरा तो छोड़ो, अभी वो किसी से बात तक नहीं करेगी। तुम जानते हो जब वो यहाँ पर आई थी तो किस तरीके से बिहेव कर रही थी हम सबके साथ, किसी को ढंग से हेलो तक नहीं बोला उसने। अरे हेलो तो दूर की बात है, दादी की आंखों में आंसू थे, खुशी थी कि मेरी प्रज्ञा वापस आ गई, लेकिन प्रज्ञा ने पलट कर देखा तक नहीं दादी को। जो दादी के साथ ऐसे बिहेव कर सकती तो हम तो किसी गिनती में नहीं। अभी हमें लगा वो मर चुकी, लेकिन वो जिंदा थी अभी, ये बात वो जानती थी। हमने तुम उसे यहाँ पे ढूंढ रहे थे अभी, क्या उसने एक बार भी तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की कि तुम कैसे हो अभी? ऑफिस, घर, सारे नंबर, सब कुछ था ना उसके पास, क्या उसने एक बार जानने की कोशिश की कि तुम्हारा क्या हाल? नहीं अभी, जहाँ तो हम 1 साल पहले शिफ्ट हुए ना, उससे पहले मेरा मेंशन में थे, और उसके बाद भी हम हमेशा न्यूज में बने रहे, मेरा फैमिली ये, मेरा फैमिली वो। तो क्या प्रज्ञा ने एक बार भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, कोई न्यूज नहीं देखी? ऐसा नहीं हो सकता अभी, इतना बिजनेस करती है, इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी, इतने पैसे कमाती है, क्या उसके लिए पता लगाना मुश्किल था कि हम कहाँ पर हैं, कैसे हैं? नहीं अभी, वो सब जानती थी, लेकिन उसने कॉन्टेक्ट इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो तुमसे मिलना ही चाहती थी। भाई वो सही तो कह रही है। सही गलत कुछ नहीं सुनना मुझे। सच सुना नहीं जा रहा तुमसे अभी। प्रज्ञा ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव इसीलिए किया क्योंकि तुमने उसकी बेटी के बारे में कभी भला बुरा कहा था, और जिसकी वजह से हमने रिया को खो दिया। हाँ भाई, हमने हमारी रिया को उसी की वजह से खोया है। प्रज्ञा के बाद एक रिया ही थी जिससे तुम बहुत प्यार करते थे अभी, लेकिन 20 साल के बाद प्रज्ञा आई और उसने तुम्हारी रिया को तुमसे छीन लिया। लुक एट यू अभी, प्रज्ञा ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है तुमसे। वो पहले जैसी नहीं रही, वो बदल चुकी है अभी। बिल्कुल नहीं बदली है वो, पहले जैसी है। अच्छा हाँ, तो इस वक्त तुम मेरे साथ क्यों हो अभी? तुम तो मुझे अपनी बीवी भी नहीं मानते और ना ही पसंद करते हो।
अभी वो बदल चुकी है, वो नहीं पहले जैसी प्रज्ञा। उसने तुम्हें नीचा गिरा के खुद को ऊंचाई पे लेके जाके उसने अपने आप को बदल दिया, और वो इस वक्त तुमसे नफरत करती है, अभी सिर्फ नफरत। अगर ऐसा होता ना अभी, तो इस वक्त तुम उसके साथ होते या वो तुम्हारे साथ होती, उसने तुम्हें गले लगाया होता, तुमने उसे जो भी होता अभी, लेकिन तुम दोनों अलग नहीं होते, एक दूसरे के साथ होते इस वक्त। उसने तुम्हें घर से बाहर निकाला क्योंकि वो तुमसे नफरत करके अभी बदला लेने आई है तुमसे। मुझे तो लगता है ना, जानबूझकर प्रज्ञा ने वो पर्स चोरी करवाया ताकि उसके जरिए वो हम तक पहुंच सके और हमारा जीना मुश्किल कर दे। सर हिलाने से सच नहीं बदल जाता अभी। नहीं बताओ मुझे, अगर मैं कुछ गलत बोल रही तो जवाब दो मुझे। वो बदल गई क्योंकि वो तुमसे बदला लेना चाहती है, वो नफरत करती तुमसे अभी। उसने दादी की इंसल्ट की, ताई जी की इंसल्ट की, मिताली भाभी की इंसल्ट की, और फिर तुम्हारे इंसल्ट की। अभी तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया, ऐसे कोई करता है क्या? हाँ भाई, अनु सही कह रही, प्रज्ञा ने कभी दोबारा मुड़कर पीछे नहीं देखा। उसका एक्सीडेंट हुआ था, कार मिली, लेकिन वो नहीं। कभी सोचा आपने वो वापस क्यों नहीं आई? 2 साल में उसने दोबारा मुड़कर पीछे देखा ही नहीं। हम क्या आपको सच बताएंगे भाई, सच तो आपके सामने है। आप खुद प्रज्ञा से मिलकर आए हैं, बताइए आपको उसकी आंखों में जरा सा भी प्यार दिखा? प्यार होगा तो दिखेगा ना आलिया, लेकिन अब कुछ नहीं, अब है तो सिर्फ नफरत और बदले की आग। आप कुछ नहीं है मेरे लिए। जस्ट शट अप, ओके? कुछ नहीं सुनना मुझे, ठीक है? तुम कहते हो तो हम चुप हो जाते, कुछ नहीं बोलेंगे हम, लेकिन चुप रहने से सच नहीं बदलेगा, और सच यही है कि प्रज्ञा बदल चुकी है। पूछो अपने आप से, अपने दिल से पूछो अभी, क्या वही प्यार है? नहीं अभी, वो तुमसे प्यार नहीं करती, सिर्फ नफरत करती, सिर्फ नफरत। क्या कहा मैंने? अच्छा हुआ ये तनु जो है ना मेरी लाइफ में वापस आ गई। कम से कम रिया को तुमसे बेहतर एक मॉम तो मिलेगी। रिश्ता नहीं रखना मुझे तुमसे। तुम भले ही जीत गई पर मुझे कभी नहीं जीत पाओगी। तनु आई हो? ओके, कौन है? जरा पानी लेके आ तनु के लिए। वो खुद ले लेगी ना। मैं ठीक हूँ, I'm fine। तू चिल्लाई क्यों? मैं अभी को देख कर आती हूँ। हद हो गई गॉड जी, अभी को देखने जाना था तो हमें क्यों उठा कर गई? चुपचाप चली जाती खुद ही। गॉड जी, पहले तो मुझे ये लगा कि तनु ने खिड़की पर है ना कोई भूत वूत देख लिया, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि उसने भूत वूत नहीं, सपने में अभी प्रज्ञा को साथ देख लिया होगा। पर तुझे कैसे पता? कुछ नहीं पता है उन्हें ताई जी, आप सो जाइए। और मिताली भाभी, कुछ भी मत बोलिए। अच्छा, मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो तुम ही बता दो ना कि तनु अचानक ऐसे नींद में चिल्ला कर वो अभी को देखने क्यों चली गई? गॉड जी, मेरे तो ये समझ ही नहीं आता है कि अगर उसे अभी से इतनी परेशानी है, अभी पर इतना शक करती है, तो फिर उसके साथ रह क्यों रही है? छोड़ क्यों नहीं देती उसे? और अभी हमारा अभी तो भाई महान है, तनु जैसी को झेल रहा है, और कोई होता ना तो कब का छोड़ चुका होता। अरे चुप कर, सोते सोते भी बड़बड़ाती रहती है ये लड़की। मैं तारी भाभी कुछ गलत नहीं बोल रही, आई थिंक मुझे तनु से बात करनी चाहिए। थैंक गॉड अभी यहीं पर है, मुझे तो लगा कहीं वो। ये नींद में स्माइल कर रहा है,
मैं जानती तुम अभी उठ जाओगी क्योंकि वो बुरे सपने तुम्हें चैन से सोने नहीं देंगे, लेकिन मैं हूं तुम्हारे लिए यहां। मैंने प्रज्ञा को इतने सुकून से सोते हुए कभी नहीं देखा। ऐसा तो कोई अपनों के बीच सुरक्षित हो तभी सो पाता है, पर कौन कौन है जो प्रज्ञा को इतना सुकून दे रहा है? क्या अच्छी नींद आई थी, तो गिराना जरूरी था क्या? देर तक मैं कैसे सो रही थी? आज से इसका मेरा हो। ये किसका है? ओह नो, मैं इतनी देर तक सुबह सुबह वेट कर रही हूं तुम्हारा। आप ठीक है? आई एम सो सॉरी मैडम, गाड़ी स्पीड में थी, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। आप ठीक तो है? थैंक यू सो मच मैडम, आपने इन्हीं नहीं मुझे भी बचा लिया, इनफैक्ट आपने मेरी फैमिली को बचा लिया। अगर इनको कुछ हो जाता तो मुझे जेल जाना पड़ता। यू आर अ ट्रू सेवियर मैम, थैंक यू सो मच। तो तुम भी आ गए इसके झांसे में जी। जरूरी नहीं है कि जो सेवियर है वो हमेशा आपको बचाने आता है, उसके इंटेंशंस गलत भी हो सकते हैं। हो सकता है वो आपको बचाने नहीं, आपको बर्बाद करने आया हो। सॉरी मैं कुछ समझा नहीं। वो तो तुम्हारी शक्ल पे ही नजर आ रहा है। तुम बस इतना समझ लो कि अगर गाड़ी चलाने नहीं आती तो ड्राइवर रख लो, अगर ड्राइवर अफोर्ड नहीं कर सकते तो टैक्सी में ट्रैवल करो। समझ में आया या पुलिस को बुलाऊं? मैं समझ गया मैम। तुम्हारी बख्शिश। ए अभी अभी कहाँ है भाई तू आजकल? हाँ अभी कैरम नहीं खेलेगा? तेरी रानी कब से वेट कर रही है यार तेरा। नहीं यार वो आज कैरम खेलने का टाइम नहीं है। कैरम के लिए टाइम नहीं तेरे पास? हद करता है यार, ये ले तेरी फेवरेट जगह खाली है भाई, बैठना। तुम लोग खेलो यार, मैं चलता हूँ। भाई कौन आ गया तेरी लाइफ में है? रानी से बढ़कर हमें ही बता दे। हाँ यार असली रंग जिसे मैं खो चुका था, तभी तो ये सब कुछ कर रही है यार। उसे खो दिया लाइफ में, सब कुछ खो दिया। क्या बोल रहे? पता नहीं पर परेशान लग रहा है। अभी सुनना, क्या प्रॉब्लम है भाई बताना, हम लोग हैं ना, हम बैठे हैं ना। अरे प्रॉब्लम कुछ नहीं है मेरे भाई, मैं बस अपने सपनों के घर को देखने जा रहा हूँ, मिलता हूँ। अरे रिक्शा ले भैया। इसका कौन सा ड्रीम है यार? पता नहीं, चल मेरी बारी। शॉर्टलिस्ट करो लड़कियां, पर फाइनल डिसीजन तो सिद्धार्थ का होगा ना? नहीं, वो चाहता है कि मैं ही उसके लिए चूज करूं, उसको बहुत भरोसा है मेरी चॉइस पे। अरे तुम्हें पता है उसको ना बिल्कुल तुम्हारी जैसी लड़की चाहिए यार, बिल्कुल एग्जैक्टली तुम्हारी कॉपी। हाँ उसको लगता है जैसे तुम ऑफिस में जाके सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो ना उसकी, वैसे अगर तुम्हारी जैसी किसी लड़की से वो शादी करेगा तो उसके घर पे रह के सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, उसको ऐसा लगता है। उसकी बातों से मुझे क्या लगता है, उसको ना तुम्हारी बिल्कुल परछाई चाहिए। एक ऐसी लड़की जिसका ब्लड ग्रुप सेम हो, डीएनए सेम हो, हाइट वेट शक्ल सब सेम चाहिए उसको। पर पूरी दुनिया में अगर ऐसी कोई लड़की जिसका डीएनए तुमसे मिलता है, आई थिंक वो तुम्हारी बहन रही। आई एम सो सॉरी।
परछाई, कहते हैं परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती, पर ये तो भगवान करे उस सिर को कभी मिले भी ना। कभी दिख भी जाए ना तो सिर को रास्ता बदल देना चाहिए, उसका साया तक नहीं पड़ने देना चाहिए। देखिया मैं चांद देखिया, नूरा वाले सितारे देखिया, पर तेरे जैसा ना कोई देखिया मैं। लगता है निगाहों में तेरी करने से अब कोई भी ना रुक सके। ओ हारे आ मैं दिल हारे आ, ओ हारे आ मैं दिल हारे आ, ओ हारे आ मैं दिल हारे आ, मैं हारा तुझ पे। ओ हारे आ मैं दिल हारे आ। अब क्या उसे घर तक छोड़ कर आएगा? What? तेरे सामने कितनी बार मुझ पर पानी गिरा, तूने मुझे कभी टिश्यू ऑफर नहीं किया। तेरी कारण, तुझे पता ना उस पर टिश्यू, उसे नहीं पता था। ले यूज कर। पत्ता गोभी और अरे पढ़ रही हूँ, जरा धीरे बात करो। चार मिनट काफी। अरे मुझे एक बात बताओ, अभी ना बाहर है ना दोस्तों के साथ है। सीधे सीधे बोल ना, ये तो अभी के बारे में पूछ रही है, अभी कहाँ है? दादी आप तो कुछ बोलिए ही मत। मैं जानती हूँ कि प्रज्ञा को देख के आपके दिल में एक उमंग सी जगी है, लेकिन ये मत भूलिए कि मैं इसी घर में रहती हूँ, तो प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलवाइएगा। तनु, दादी से ऐसे बात मत करो। रियली आलिया, तुम तो ये बात बोलो ही मत। तुमने देखा ना दादी ने कैसे बिहेव किया कल अभी के सामने? हाँ, इसने क्या? हम सब ने देखा था, दादी ने ना हम सबके सामने अभी के मुँह पर बोल दिया कि तुम दोनों की वजह से दादी ने प्रज्ञा के बारे में अभी को नहीं बताया। अच्छा, अब ऐसे मत देखो ना, अब मैंने वही बोला ना जो दादी ने बोला था। मिताली, किचन में काम करते करते ना तू भी आलू जैसी हो गई है, कभी इस सब्जी में कभी उस सब्जी में। अरे कल अभी के साथ तू उसके साथ खड़ी थी, आज इन दोनों के साथ खड़ी है, खाली का बैंगन। सबने मिलकर मुझे बुरा बना रखा है। देखा जाए ना तो इस घर में सबसे ज्यादा मासूम मैं ही हूँ, मेरी मर्जी तो कभी चलती ही नहीं है। सब लोग मिलकर मुझे इधर उधर करते रहते, मैं नहीं होती हूँ। अब जैसे मेरी मर्जी है कि मुझे काम नहीं करना है, मुझे जाकर आराम करना है, और आप में से किसी से बात भी नहीं करनी है, समझे? मिताली भाभी, ये मेलोड्रामा जो है ना बंद कीजिए और चुपचाप जाके खाना बनाइए। कोई मेरे सवाल का जवाब देगा या नहीं? कहाँ है अभी? बोला तो था कि वो बाहर गया है। हाँ तनु भाई, बाहर कैरम खेल रहे होंगे, और कहाँ जाएंगे भाई? आलिया मैं वही तो बता रही हूँ, अभी ना बाहर है ना दोस्तों के साथ। तनु, 2 साल से देख रही हूँ तुझे, अभी की कभी इतनी चिंता नहीं थी, फिर आज क्या बात है जो इतनी फिक्र कर रही है? क्योंकि 2 साल पहले की बात अलग थी दादी, तब मुझे ये नहीं पता था कि प्रज्ञा जिंदा है और अभी उसके पास जा सकता है। प्रज्ञा, वीडियो कॉल? ऑल ओके बेटा? नॉट ओके एट ऑल। मैंने ऑस्ट्रेलिया में आपका दिया हुआ हर चैलेंज पूरा किया, लेकिन यहाँ आके हार गई। होता है, ऑस्ट्रेलिया में सारे टेस्ट सीरीज जीत गई, लेकिन इंडिया यानी अपने होम ग्राउंड में आकर हार गई। पर देखना, इस हार में भी तुम्हारी जीत होगी। मतलब आप श्योर थे कि मैं हार जाऊंगी? इसीलिए तो मैंने ये ऑक्शन नहीं रुकवाई। ऑक्शन टीम और सारे क्लाइंट्स तुम्हारी सेक्रेटरी अंजना के साथ वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं अंजना से कह दूंगी कि वो सब कुछ रेडी करवा के रखे। ज्यादा सोचो मत प्रज्ञा, अपनी पास्ट लाइफ को छोड़कर तुम इतनी आगे बढ़ी हो, अगर अब तुम अपनी पास्ट लाइफ को पकड़े रखोगी ना तो इससे आगे नहीं बढ़ पाओगी। अगर इस घर की अच्छाइयों को देखोगी तो उस घर के लोगों की बुराइयों को नहीं देख पाओगी जिन्होंने तुम्हें मार डालना चाहा था।
प्रज्ञा यू नो ना यू एलर्जिक टू डस्ट। निकलो बाहर से, अगर ज्यादा देर रुकोगे तो बीमार पड़ जाओगी। मैं अंजना से बोलकर सब कुछ रेडी करवा दूंगी। ओके ठीक। क्या क्या कर रहे हैं? वो न्यूज़पेपर में पढ़ा कि घर की नीलामी हो रही है, तो सोचा एक आखिरी बार। प्रज्ञा प्रज्ञा क्या हुआ? प्रज्ञा तुम ठीक हो ना? प्रज्ञा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? प्रज्ञा प्रज्ञा कुछ बोलो। प्रज्ञा प्रज्ञा कुछ लड़ोगी तो सांस और चढ़ेगी यार तुम्हारी। बेकंसर्न मत दिखाइए, मुझे पता कितनी चिंता है आपको। मैं मदद कर रहा हूँ। मदद नहीं, बस यही आता है तुम्हें, लीव मी अलोन, मेक हिम अलोन। नहीं छोड़ रहा मैं, नहीं जा रहा कहीं भी। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं नहीं, 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 मुझे अच्छा बोलोगी तो अच्छा होगा ना। तुम बोली क्यों रही हो? लंबी सांस लो ना तुम। नहीं नहीं मुझे सांस, जब तक अब सांस। तुम चुप रहना, अब मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ तुमसे। तुम दरवाजे से दूर हटना, मैं अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रज्ञा अगर तुम दरवाजे के सामने हो तो हट जाओ सामने से। मैं जस्ट पहुंच ही गया। मैं ओके ओके, वेट आई कॉल यू। ओह गॉड, तब कोई आया नहीं। हाय, हम अंजना या। हाय। क्लाइंट्स आने वाले हैं और हम सब भी रेडी हैं। सुषमा मैम ने बताया प्रज्ञा मैम भी यहाँ पर हैं, तो मैं उनको लेके आती हूँ। लो आ गए। हेलो सर, वेलकम। कम यस या हेलो। देख लिया ना, आपको और क्या चाहिए? बस देखने तो घर आया था, पर घर वाली भी दिखी। फेक इमोशन दिखाने की जरूरत नहीं, फेक कंसर्न देख लिया मैंने। सब फेक लगता है तुम्हें? मैं मेरे इमोशंस, इस घर की यादें, ये घर भी तुम्हें फेक लग रहा होगा ना। याद है इस घर में पहली बार ना, मुझे कोई बात नहीं सुननी आपकी।